व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, के एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है सीएसए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का सीएसए गिवन है क्वेश्चन में 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, आपको जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 0.7 मीटर, और हाइट अपने को क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट। अपने पास एक सिलेंडर दिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी जो रेडियस है, ये रेडियस आपके पास गिवन है 0.7 मीटर, और इसका जो सीएसए आपको गिवन है, सी एस ए आपको जो गिवन है वो गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करनी है अपने को इसकी हाइट। वी नो डैट सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। इसका जो फॉर्मूला होगा अपने पास सी एस ए सिलेंडर का, वो जाएगा 2πRH इज इक्वल टू 4.4। वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ से आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 2 एज इट इज, पाई वैल्यू वी नो डेट पाई इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस आपको गिवन है 0.7, तो आप इसे यहाँ पे करोगे 0.7 इंटू एच एज इट इज, जो कि आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट, इक्वल टू में हो जाएगा 4.4। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा ये 10, पॉइंट रिमूव करोगे न्यूमरेटर से तो अपॉन में क्या कर दोगे यहाँ पे 10, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास कैंसिल, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे अपने पास ये हो जाएगा 5 टाइम, तो रिमेनिंग अपने पास आएगा यहाँ से 22 अपॉन में 5 इंटू में आएगा एच इज इक्वल टू 4.4, इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से एच इज इक्वल टू 4.4 अपॉन में 5 है, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा अपने पास ये मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 22, कैंसिल आउट करेंगे ऐसे पॉइंट को रिमूव करेंगे अपॉन में क्या जाएगा अपने पास 10, 5 से 10 को कैंसिल 2 टाइम्स, 44 को 22 से अपन कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जो अपने पास हाइट आएगी वो आएगी 1 मीटर, हो जाएगा इसका आंसर। सी एस ए गिवन था, सी एस ए का फॉर्मूला अप्लाई किया और 2 इंटू 22/7 रेडियस आपको गिवन थे 0.7 मल्टीप्लाई में एच, तो एच के अलावा इन सब की साइड अपन क्या कर देंगे चेंज, सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 मीटर, हाइट हो जाएगी इसकी सिलेंडर की 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो 7 गिवन है आपको इस एक्सरसाइज में, वो गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। सोल्यूशन होगा इसमें जो डायमीटर आपको गिवन है ना वो गिवन है 3.5 मीटर, तो जो रेडियस होगी इसकी हो जाएगी 3.5/2 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप, और जो हाइट आपको गिवन है वो हाइट आपको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में 10 मीटर, हाइट गिवन है वो 10 मीटर, रेडियस हो जाएगी 3.5/2, इट्स इनर कवर सरफेस एरिया आपको सी एस ए पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है इसमें सी एस ए, तो फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे इसमें सी एस ए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2πRH, 2πRH वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा बेटा 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू अपने पास है 3.5/2 इंटू एच, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आपको 10, पॉइंट रिमूव करेंगे यहाँ से तो डिनोमीटर में क्या जाएगा यहाँ पे 10, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 35 को कैंसिल करेंगे हो जाएगा 5 टाइम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब रिमेनिंग अपने पास आएगा यहाँ पे 22 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, ये तो आएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो कि आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे सी एस ए, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा था इट्स इनर कवर्ड सरफेस एरिया, तो कवर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, रेडियस आपके पास होगी 3.5/2, हाइट अपने पास होगी यहाँ पे 10, वैल्यू पुट की यहाँ पे सोल्व आउट किया तो आ गया आंसर इसका 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में से पूछा आपको द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कवर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, जो अपने पास सी एस ए आया ना उस पर आपके पास प्लास्टरिंग की कॉस्ट आपको गिवन है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट।
कैसे फाइंड करेंगे इसका सेकंड पार्ट होगा, गिवन आपको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है यहाँ पे 40 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे अपन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, देखो इसका जो अपने पास सी एस ए आया है उस सी एस ए को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, तो 110 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 110 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे 11 को 4 से 44 100 रुपीज़, ये अपने पास आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में आपको गिवन था एक तो इनर कोर सर्फेस एरिया पूछा था जिसका फॉर्मूला अपने पास होता है 2πRH, डायमीटर आपको गिवन थी, रेडियस आपने फाइंड आउट की, हाइट आपको गिवन थी इसकी, डेप्थ जो गिवन है वो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। 2πRH में वैल्यू पुट करके इसका आपने निकाल लिया सी एस से, फिर फाइंड आउट करनी थी आपको टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन थी 40 रुपीज़, तो जो उसका सी एस ए अपने पास आया 110, उस सी एस ए को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 40 से, तो आंसर हो गया इसका 4400 रुपीज़, ये अपने पास हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 8 अपने पास एक्सरसाइज 13.2 का वो गिवन है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। जो अपने पास सिलेंड्रिकल पाइप है उसके लेंथ आपको गिवन है 28 मीटर। जैसे अपने पास ये सपोज सिलेंड्रिकल पाइप जिसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर आपको गिवन, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से, सॉरी डायमीटर 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी इसकी 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 100 से, 5/2 था इसको डिवाइड किया किससे बताओ, 100 से, तो ये हो जाएगा 5/200, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आप अपने पास मीटर में, ये हो गई इसकी रेडियस। लेंथ आपको गिवन थी पाइप की 28 मीटर, डायमीटर आपको गिवन थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी इसकी 5/2 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, तो अपने पास हो जाएगा 5/200 मीटर, ये इसकी हो गई रेडियस। अब इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इसमें फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, जो पाइप अपने पास है ना इसमें रेडिएटिंग सरफेस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो रेडिएटिंग सरफेस की क्या होगी, इनर सरफेस एरिया। जैसे अपने पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन का जो इनर सरफेस होगा वो अपने पास क्या होगा, इसके अंदर का जो पोर्शन अपने पास, अंदर का जो अपने पास एरिया है इसका इनर सरफेस इसको कहेंगे, वो अपने पास आएगा। तो सेम अपने पास आपको पूछा है यहाँ पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस अपने पास कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी इनर जो अपने पास एरिया ना, इनर सरफेस एरिया, इसको आप कहोगे यहाँ पे सी एस ए, तो सी एस ए आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट, सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन होगा इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सी एस ए ऑफ अपने पास सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH, वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई के लिए हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आपने मीटर में कन्वर्ट करके फाइंड आउट की थी 5/200, 5/200 इंटू एच, एच आपके पास गिवन थी 28 मीटर, 7 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 4 टाइम, 4 से कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा 50, 4 से कैंसिल आउट करेंगे बस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 5 से 20 साथ में आ जाएगा 0, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 से कैंसिल आउट करेंगे अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 5, इसमें जो फाइनल अपने पास रिमेनिंग जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 22/5, 22/5 कैंसिल करेंगे इसको तो हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। इतना जो अपने पास सरफेस होगा ना इसका, वो अपने पास क्या होगा, इसका रेडिएटिंग सरफेस होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इसका फाइंड आउट कर लिया आपने यहाँ पे सी एस ए, तो सी एस ए फॉर्मूला हो गया 2πRH, वैल्यू पुट की सॉल्यूशन हो गया इसका 4.4 मीटर स्क्वायर। बस ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना, रेडियस जो आप डायमीटर जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस हो जाएगी इसकी 5/2,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई किससे कर दोगे, 100 से, तो हो जाएगा 5/200। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 200, ये हो गया मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो गिवन आपके पास, फाइंड द लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक डेट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। जो डायमीटर आपको गिवन वो है 4.2 मीटर और जो अपने पास हाइट गिवन है वो गिवन है 4.5 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है उसका सी एस ए आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी एस ए ऑफ टैंक इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा सी एस ए का 2πRH। सी एस ए ऑफ टैंक इक्वल टू हो जाएगा 2πRH, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। डायमीटर जो गिवन वो आपको गिवन है 4.2, डायमीटर जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी 4.2 मीटर, रेडियस हो जाएगी इसकी 4.2 बाई 2 मीटर, 4.2 अपॉन में अपने पास कर देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट गिवन इस क्वेश्चन में आपको 4.5 मीटर। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 10। सॉल्व आउट करेंगे, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 42 को 6 टाइम, 2 से कैंसिल कर दें 20 को तो हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 से कैंसिल करें 45 को, 5 से कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 45 को करोगे तो 9, 59 से 45, 2 से कैंसिल आउट करेंगे अपन 6 को 3 टाइम, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा यहाँ 11। रिमेनिंग जो अपने पास आएगा वो आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई अपने पास हो गया 9 और अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 5, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 33 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई हो जाएगा उनके पास ये 5। सोल्व आउट करेंगे तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 27, 7 टू कैरी, 9 को 3 से 27 और 2 29 डिवाइड बाई अपने पास हो गया यहाँ पे 5, कैंसिल आउट करेंगे इसको तो हो जाएगा ये 5 को 5 टाइम करेंगे 25, 4 कैरी 47, 59 से 45 और अपने पास आ जाएगा 54 से 20, 59.4 मीटर स्क्वायर, ये आएगा अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे सीएसए, उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का आपको फाइंड आउट करना था सीएसए। फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, वैल्यू पुट करेंगे सोल्व आउट करेंगे इसको तो आंसर अपने पास आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आपको गिवन है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अपने पास कितना स्टील यूज होगा, ठीक है ना, अगर अपने पास 1/12 है ना एक्चुअल स्टील का, 1/12 पार्ट क्या हो गया वेस्टेज हो गया, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है वहाँ पे स्टील जो अपने पास टोटल जो स्टील होगा वो आपको क्या करना है यहाँ फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा लेट एरिया ऑफ एक्चुअल स्टील, एरिया ऑफ एक्चुअल स्टील यूज्ड इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर। सपोज कि अपने पास जो एक्चुअल स्टील यूज होगा ना वो कितना होगा एक्स मीटर स्क्वायर में यूज होगा। सिंस क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे सिंस 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील, 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील, एक्चुअल स्टील का कितना पार्ट 1/12 पार्ट यूज वॉज वेस्टेज उसके बाद में आ जाएगा द एरिया ऑफ द स्टील विच is used, which is used in making, which is used in making of the tank,
ये हो जाएगा 1/12 ऑफ x इक्वल टू x बाई ट्वेल्व। टोटल आपने एरिया कितना सपोज किया उसका x। अब इसमें से एक्चुअल में जो यूज हुआ अपने पास वो कितना था x, इसमें से कितना पार्ट 1/12 पार्ट, x का 1/12 पार्ट क्या हो गया वेस्ट हो गया। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, x में से x का 1/12 पार्ट क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और इक्वल टू अपने पास यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा आगे। पहले इसकी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा करेक्शन करना है बेटा, सी एस से आपने टैंक का फाइंड आउट किया, लेकिन वो टैंक आपको कैसा गिवन था क्लोज्ड टैंक आपको गिवन था, यहाँ पे कैसा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक आपको गिवन था। तो सी एस से पूछा था, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन जो स्टील यूज होगा ना, स्टील अपने पास जो यूज होगा, स्टील यूज जो होगा वो होगा इसके सी एस ए पे प्लस इसके दोनों टॉप और बॉटम, दोनों इसके बेस एरिया। तो सिलेंडर का अपने पास टॉप और बॉटम, जब अपने पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें जो इसका टॉप होगा वो भी अपने पास सर्कुलर होगा, जिसका बॉटम होगा वो भी कैसा होगा सर्कुलर। तो इसके दोनों बेस एरिया इसमें क्या हो जाएंगे प्लस। तो जो स्टील यूज होगा वो हो जाएगा 2πlh, आपने सोल्व किया अपने पास हो गया 59.4 प्लस, ये इसमें फाइंड आउट करेंगे 22/7। रेडियस आपके पास है 4.2, पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा जीरो, तो 42/20 इंटू 42/20 सोल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 से 20 को 10, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये भी 10, 7 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 66 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा यहाँ पे 27.72। 2πr² की जो वैल्यू अपने पास आई वही 27.72, वो अपने पास 59.4 में क्या कर देंगे प्लस। तो टोटल जो स्टील आएगा ना, जो यूज होगा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में, वो जाएगा सी एस ए प्लस बेस एरिया, 59.4 प्लस 27.72 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास स्टील यूज होगा उसमें 87.12 स्टील क्या होगा वहाँ पे टोटल यूज। अब उसका अपने पास 1/12 पार्ट क्या हो गया वेस्ट हो गया, जो आपने जो एरिया कंसिडर किया था वो कितना कंसिडर किया था एक्स। अब इस एक्स का 1/12 पार्ट क्या हो गया यहाँ पे वेस्ट, तो एक्स का 1/12 फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा x/12। अब टोटल अपने पास जो एरिया कंसिडर किया था वो था एक्स, अब वेस्ट कितना हो गया इसमें से इसका 1/12, तो x/12 इज इक्वल टू मेरे पास जो एरिया था वो था देखो 87.12। जो स्टील अपने पास एक्चुअल में यूज हुआ था ना, वो अपने पास फर्स्ट पार्ट में कितना आंसर आया था उसका 87.12, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 87.12। सोल्व आउट करेंगे 12 तो आ जाएगा इसका एलसीएम 12x माइनस x ही हो जाएगा यहाँ 11x 87.12, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 87.12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 डिवाइड में हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू अपने पास आएगी 1045.44 डिवाइड बाई हो जाएगा 11। कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा अपने पास ये 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना जो स्टील है वो अपने पास क्या होगा एक्चुअल में यूज होगा। 1/12 पार्ट तो क्या हो गया वेस्ट हो गया, इसलिए अपने क्या कर दिया इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वल टू में जो स्टील आपका यूज हुआ था वो था 87.12 अपने पास कैसे फाइंड आउट किया, सी एस ए प्लस इसका बेस एरिया टॉप एंड बॉटम, तो आंसर अपने पास आ जाएगा इसका 95.04 मीटर स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप सेट, अपने पास जो फ्रेम दे रखी है आपको एक लैंप सेट की, इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको अपने पास एक डेकोरेटिव क्लॉथ से क्या कर दिया कवर कर दिया। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर जो आपको हाइट गिवन है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, हाइट जो अपने को गिवन है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स ओवर द टॉप एंड बॉटम, अब 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन तो अपने पास इसके अंदर की ओर फोल्ड किया गया है, यहाँ पे
2.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे फोल्ड किया और 2.5 सेंटीमीटर में अपने पास यहाँ पे बॉटम में, टॉप और बॉटम दोनों में फोल्ड कर दिया 2.5। और ये जो हाइट आपको गिवन है, ये जो हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये आपको गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो उसकी जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 30 सेंटीमीटर प्लस जो 2.5 आपके पास अंदर की ओर फोल्ड किया है वो टॉप की ओर, और जो बॉटम की ओर 2.5 फोल्ड किया है वो 2.5 प्लस 2.5 इज़ इक्वल टू 5, 5 प्लस 30 इक्वल टू 35। तो इसमें आप 5 सेंटीमीटर और क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसकी जो अपने पास एक्चुअल हाइट आएगी ना वो आएगी 35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। इस लैम्प सेट को कवर करने के लिए अपने पास कितना क्लॉथ रिक्वायरमेंट होगा वो आपको पूछा है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ लिखोगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट, कवरिंग द लैम्प सेट इक्वल टू CSA ऑफ लैम्प सेट, CSA ऑफ लैम्प सेट। अब लैम्प सेट अपने पास किस शेप में दिया, सिलिंड्रिकल शेप में दिया, इसका CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πRH, 2πRH वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 × 22/7 रेडियस अपने पास 20/2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हाइट में अपने पुट करेंगे यहाँ पे 35, 30 प्लस 5 ये 5 क्यों प्लस क्या सुन में है ना आपके, 2.5 तो अपने पास यहाँ पे टॉप की ओर फोल्ड था और 2.5 अपने पास बॉटम की ओर फोल्ड था, तो टोटल अपने पास 2.5 प्लस 2.5 5 और एक्चुअल उसकी क्या थी दे रखी थी आपको 30 सेंटीमीटर, 5 क्या कर देंगे प्लस, 7 से कैंसिल आउट करने पर अपने पास आएगा ये 5, 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई बाई 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 50, 44 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ आपको चाहिएगा उस लैम्प सेट को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, इतना आपने को क्या चाहिएगा क्लॉथ, 2200 मीटर स्क्वायर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। ये हो गया अपने पास इसका आंसर। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने पास जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है जो 13.2 के एक्सरसाइज के, वो अपन इसके डिस्कस करेंगे।